की लोड़ सी, की लोड़ सी, रख ले रख ले, फटाफट रख ले, एदी की लोड़ सी। वो कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मियाँ, हाँ जी, गुड मॉर्निंग भाई, कैसी नींद आई? कल रात को हम लोग कसिनो गए थे, मतलब वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैंने बनाया नहीं ब्लॉग, बट मज़ा आया वहाँ पे भी। और कैसे एंट्री ली हमें वो बताएंगे हम आपको, ठीक है? नहीं नहीं, वैसे नहीं बताएंगे क्योंकि वो सीक्रेट है। फिर आज ब्रेकफास्ट में इडली, ओह माय गॉड, और सांबर। अरे मुझे लगा जूस होगा साथ में। ले जाओ ले जाओ, हम ले जाओ, हम लोगों को बोल देंगे हमने तोड़ के लाए हैं। कोई बात नहीं, क्या हो गया, दोबारा कर लेंगे, है ना? ये भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यही सब, यही तो चलता है व्लॉग में, और क्या चलता है? मैं तोड़ रही हूं। अच्छा ठीक है, आप तोड़ो। ये देखो। अरे आंटी, ये क्या लिया है? ये घर में हमने अनानास बनाया। अरे क्या बात है, कौन सा केमिकल यूज किया था? मम्मी हर चीज बनाती है ना, हाँ क्या बात है, किचन में तो बनती है ना, लेकिन ये घर में अपने गार्डन में मैंने उगाया। सही बात, बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर। थैंक यू। लोग गुलाब देते हैं, अनानास जैसी लग रही है ना, कपड़े अनानास जैसी पहने। पहली बात है, शादी के बाद ऐसे फ्रूट से और वेजिटेबल से गिफ्ट हो जाती है, सेहत ठीक रखने ना इस वजह से। क्या बात है भाई, ये केक देख रहे हो, स्पेशली आंटी ने और दिशांत ने भी, थैंक यू सो मच, मजा आ गया तो केक देख के। Guys, it's 11:45 right now, और ये हमारा रूम, आज हमारा चौथा दिन है, मतलब तीन दिन हम स्पेंड कर चुके हैं, चौथे दिन हम लोग चेकआउट कर रहे हैं फ्रॉम कासा दे एस्पेरांजा, विच इज़ अ होम स्टे इन गोवा। तो दिशांत का होम स्टे है ये, जैसे कि आप लोगों को दिखाया मैंने, और हम लोग तीन दिन से यहीं पे थे, आज चौथा दिन हम चेकआउट कर रहे हैं। आज हमने जाना है ताज में, पंजे में हम लोगों ने अपनी बुकिंग करा रखी थी, तो ताज हम लोग जाएंगे आज, वहाँ स्टे करेंगे और वहाँ पे भी आपको प्रॉपर्टी दिखाएंगे कैसी सी है। बाकी इस प्रॉपर्टी में अगर आप रहना चाहते हो, जो कि बिल्कुल एयरपोर्ट से 4 मिनट की दूरी पे है, तो इसका जो वेबसाइट का लिंक है और दिशांत का जो नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे रहा हूँ, तो आप दिशांत को कॉन्टैक्ट कर सकते हो नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ पे आओगे। तो नॉट ओनली द होम स्टे, बल्कि वो आपको पूरा जो एक्सपीरियंस हम लोगों ने लिया है ना, वाटरफॉल्स जंगल का, वो एक्सपीरियंस आपको दिशांत दे सकता है बहुत अच्छे से, तो आप लोग उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम गोवा आओ, और अगर मन करे कि भाई साउथ गोवा घूमना है, तो यहाँ आके रुकना और यहीं आके घूमना बहुत अच्छा है भाई। तो अब सीन ऐसा है, फटाफट से पैक करके चलते हैं नीचे, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट करने जाना है एक बहुत अच्छी जगह, वो भी आपको दिखाऊंगा। बाव मिलता है वहाँ पे, चिकन बाव, एक दिन हमने खाया था, हमें इतना अच्छा लगा कि अब दोबारा जा रहे हैं वहाँ पे। तो वो ब्रेकफास्ट करने के बाद वील गो एंड वील चेक इन इन ताज, और आज आपको ताज का दिखाते हैं भाई, हम कैसे रहने वाले हैं वहाँ पे, लेट्स गो। आपका नहीं है बट रख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, डोंट वरी। तो भाई मैंने आप लोगों को विला का जो है वॉक थ्रू भी नहीं दिया था, तो अभी पैक कर लिया सामान, नीचे जाते हैं तो आपको विला भी एक बार दिखा देते हैं कैसा सा है, लेट्स गो। तो भाई ये हम लोगों का सामान आ गया है, जैसे कि आपने देखा हमारा रूम ऊपर था, यहाँ से जाके दो रूम्स हैं, एक इस साइड है, एक इस साइड है, हमारा रूम इस साइड था, और ये नीचे एक हॉल है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल, यहाँ पे सोफा है, यहाँ पे बाहर गार्डन है, और साथ में ये झूला है, ये अभी हम झूल भी रहे थे। ये सामने की एंट्री वाली साइड है, जो कि इस दरवाजे से निकलती है बाहर। तो यहाँ पे अपना एक सेपरेट किचन है, ये आंटी जी हैं, ठीक है। अच्छा आप एक चीज़ मैं बताऊँ, ये आप दरवाज़ा देख रहे हो ना बीच में, यहाँ से एंटर करो तो यहाँ पे एक और किचन है, और ये फ्रिज है यहाँ पे, और यहाँ जितने आप देख रहे हो ना फ्रिज मैग्नेट्स, ये सारी कंट्रीज दिशांत जा चुका है, मतलब ही हैज ट्रैवल्ड 97 कंट्रीज इन टोटल। और ये आप देखोगे, ये एक्चुअली ना दो विलाज हैं, तो ये बीच में जो दरवाज़ा बना हुआ है, ये एक्चुअली दो विलाज साथ में, मतलब बिल्कुल मिरर इमेज है, तो इस साइड भी देखोगे आप। सो देयर इज़ दिस हॉल, और यहाँ पे कल हमने अपनी गेम्स नाइट करी थी, और ये बाहर गार्डन, और ये पूल है, दिस इज़ द बार, और यहाँ पे भी सेम एग्जैक्टली वैसे मिरर इमेज है, ये स्टेयर्स हैं और ऊपर दो रूम्स हैं। ऊपर जाके आपको रूम दिखाते हैं, लेफ्ट वाला ना इधर, ओके ठीक है। तो दिस इज दिशांत रूम, तो लेट मी शो यू, ओ माय गॉड,
लाइट वाइटें ऑन करते हैं। तो ये दिखाएं आपको रूम, थोड़ा सा फैला हुआ है, बिल्कुल ही प्रिंसेस वाली स्लीप लेते हुए दिशांत अपने इस बेड में, देख लो फर्स्ट क्लास बेड। यहाँ पे बालकनी जिसमें आपको प्रॉपर लाउंजर वगैरह बना रखा है, हाय कितना प्यारा सेटअप है ना। अच्छा तो यहाँ पे बालकनी में भी दिशांत के रूम में, ये तो हमने देखी नहीं, ये तो हम यही रूम ले लेते दिशांत को अपने रूम में दे। हाँ चाहिए तो यही था। हाँ ये देखो मस्त स्विमिंग पूल। अच्छा ऐसे जैसे जाती है ना तो हमें दिखाई दे जाता है कि हमारे आ गए गेस्ट। हम जाते हैं आपको ऐसे बाय बाय करते जाएंगे। शिवानी जी क्या खाएंगी, आइसक्रीम खाएंगी, रसगुल्ला खाएंगी या हमारा सर खाएंगी? सर अच्छा लग रहा है। पता मुझे। अरे अरे वाह, ये जो किया ना साथ में लड़कियां, यही तो नंबर ले जाती, हमें यही सब तो नहीं आता। पूरे साल लड़कियां उन लड़कों के पीछे भागती हैं जिनको गिटार बजाना आता है, बट शादी के टाइम पे सरकारी नौकरी वाला चाहिए। नहीं नहीं भाई नहीं खाना नहीं। चाय कॉफी कैफे जहाँ पे हमने ये बाव खाया, चिकन तंदूरी बाव, वन ऑफ द बेस्ट बाव्स आई एवर हैड। और हमने ऑलरेडी एक एक खा लिया, बट हमने आधा आधा और खाने के लिए हमने सोचा मंगा लेते, बहुत तेज भूख लग रही है। So we have come to Three Kings Chapel. Mm-hmm. So if you can even Google it, this is the most haunted place in Goa. Wow. तो ये खतरनाक सी जगह तो लग रही है। ड्रोन उड़ाएंगे क्या हम आज? बिल्कुल। Oh yes. जगह बड़ी सुंदर सी लग रही है, but at the same time haunted भी है, तो पता नहीं क्या ही निकलेगा आगे। Actual view अब था, वहाँ दिखा दिया। Oh भाई। ये है ना व्यू तो, इट्स अ सनसेट पॉइंट। ओह माय गॉड, इट्स ऑल ओशन आउट देयर। तो आपको ड्रोन से भी कुछ तो व्यू दिखाने का प्लान है, वहां तक थोड़ा आगे तक लेके जाते हैं और वो ओशन और ये फॉरेस्ट का थोड़ा सा पार्ट कवर करेंगे ड्रोन में।
हाँ जी, तो फिर आगे हम लोग बीच पे अपने होटल के, ये हमारा होटल है ऊपर, हमारा रूम कहीं यहाँ था टॉप पे, वहाँ से हम लोगों ने सोचा कि एक बारी चेकआउट करने से पहले गेड़ी मार लें ज़रा नीचे बीच की भी, कैसा बीच है। तो सुंदर सा प्राइवेट सा बीच है इस होटल का। वही अपना रेनकोट पहन के आ गए हैं फिर से, क्या करें, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। यहाँ ने सारे मंत्र पढ़ लिए हैं कि मेरी परेशानी दूर हो जाए, समुद्र देवता मेरी सारी परेशानियां अपने अंदर खींच के ले जाए। वो कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मैं कहाँ जा रहे हो, यहीं रहो, नहीं मुझे मेरी परेशानी वापस दो। हाँ आप ठीक है भाई, ट्रिप हम लोगों का एंड हो चुका है। सो आई एम एट दी एयरपोर्ट और हम लोग निकल रहे हैं, 3:24 हो रहे हैं अभी, 4:30 की हमारी फ्लाइट है। फिर घर पहुंचेंगे, आराम रूम करेंगे, मतलब आराम ही करके जा रहे हैं वैसे तो, बट ना नींद पूरी नहीं हुई क्योंकि सुबह सुबह उठ के भागना पड़ता था यहाँ पे। तो अभी घर जाके आराम करेंगे, नींद पूरी करेंगे और फिर घर जाके देखते हैं आज क्या क्या काम निपटाना है अपना।